स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? ए भारत अनाज, बी भारत एसेंशियल्स, सी भारत राइस, डी भारत भोजन। आंसर सी भारत राइस। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया। चावल 5 किलो और 10 किलो के पैक में 29 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। ए निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना, बी सभी विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू करें, सी परीक्षा का कठिनाई स्तर बढ़ाएं, डी सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करें। आंसर ए निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। एक्सप्लेनेशन: 6 फरवरी 2024 को लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित करके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया। इस विधेयक के अंतर्गत परीक्षा में धांधली होने पर 3 से 10 साल तक की सजा तथा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर शमनीय होंगे तथा इन पर कोई जमानत नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न। भारत सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी क्यों कर रही है? ए सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाना, बी वन्य जीव तस्करी को रोकने के लिए, सी सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, डी उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाना। आंसर डी उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाना। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने हाल ही में संपूर्ण 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में उग्रवाद, तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाना है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही FMR का व्यवस्था है, जो दोनों तरफ के लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न। अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए हारमोनियम, बी बांसुरी, सी तबला, डी सितार। आंसर बी बांसुरी। एक्सप्लेनेशन: विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे पंडित राकेश चौरसिया ने अपने सहयोगी एल्बम अज वी स्पीक के लिए लॉस एंजलिस अमेरिका में 66वें प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणियों में दोहरी ग्रैमी पुरस्कार जीते। अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को UAE का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? ए आनंद कुमार, बी प्रशांत किशोर, सी मनोज वाजपेयी, डी पंकज त्रिपाठी। आंसर ए आनंद कुमार। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान और संजय दत्त जैसे भारतीय हस्तियों को यह विशेष वीजा मिल चुका है। ये पात्र लोगों को लंबे समय तक दुबई में रहने और काम करने की अनुमति देता है। चाहे आप निवेशक हों, व्यवसाय के मालिक हों, कुशल कर्मचारी हों, छात्र हों या सेवानिवृत्त हों, ये कार्यक्रम एक सुनहरे टिकट की तरह है। आनंद साल 2002 में पटना में अपना सुपर 30 प्रोग्राम चला रहे हैं। साल 2023 में उन्हें भारत सरकार द्वारा 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।